Hello friends, myself Dr. Jyoti Sharawat, MD Ayurveda, and currently I'm working as an assistant professor in the Department of Rasa Shastra and Vaishajya Kalpana in Sri Ram Ayurvedic Medical College and Hospital, Uttar Pradesh. As you know that I have already discussed about the first four points or the content of Sadharana Rasa Varga, and now I am moving to the next one, that is Agnija, the fifth content of the Sadharana Rasa Varga, also known as Amber and Ambergris in English. This is the image of Ambergris. Friends, if you like the video, kindly like and subscribe our YouTube channel of Sri Ram Ayurvedic College and Hospital, Meerut, Uttar Pradesh. Thank you, friends. This is the syllabus of Rasa Shastra, Part B. We are discussing about the third point, that is Sadharan Rasvarga. We already discussed about the four points. Now we are moving to Agni Jar. In Sanskrit, it is called as Agni Jaraha. In Hindi, Amber. In English, Amber. Latin name, Amber Grisia. Specific gravity, 0.780 to 0.926. Specific gravity melts at 62 degrees Celsius, vaporized to white vapors at 100 degrees Celsius, and soluble in ether. Paryay Agni Garbha, Agni Niryas, Vanni Jar, Agni Jarayu, Vadva Agni Mal, Agni Jwala, Agni Jar, or Sindhu Phala. अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसके जो पर्याय हैं सभी अग्नि और वन्नी मतलब अग्नि से रिलेटेड ही हैं। इसका एक्चुअली इसके पीछे ये रीजन है कि ये जो अग्नि जार होता है ये एक अग्नि नाम का प्राणी जिसको हम वेल फिश कहते हैं ये उसी से प्राप्त किया जाता है। मीन्स ये जो वेल होती है तो ये समुद्र में एक प्रकार की घास होती है जिसे वो खा जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है उसको विबंध उत्पन्न हो जाता है, मीन्स कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उसे, जिसकी वजह से उसके गर्भाशय में इंटेस्टाइन में अवरोध उत्पन्न होने की वजह से सड़न उत्पन्न होने लग जाती है, जिसकी वजह से जो वेल फिश होती है उसकी डेथ हो जाती है। और वो जिसमें गर्भाशय उसका सड़ने लग जाता है, इंटेस्टाइन सड़ने लग जाता है, और वो वर्षों वर्षों तक वो प्राणी ऐसे ही उस समुद्र में पड़ा रहता है। बहुत वर्षों के बाद कभी वो जब लहरों के साथ किनारे पे आ जाता है तो मछुआरे क्या करते हैं उसे इकट्ठा कर लेते हैं और अपने छत पे उसे बहुत सालों तक सुखाते हैं। एक बात और, जब वो गीला रहता है उसमें बहुत ही ज्यादा दुर्गंध आती है जिसे आप बेयर नहीं कर सकते हैं, पर जैसे जैसे वो सूखने लग जाता है या कंप्लीट ड्राई हो जाता है उसमें से उतनी ही सुगंध भी आती है। इसीलिए एक्चुअली अग्नि नाम के प्राणी से प्राप्त किया जाता है, दैट इज वेल। इसीलिए जो इसके सारे पर्याय है वो अग्नि से रिलेटेड ही है। उपस्थिति मैंने आपको बताई दी है कि ये समुद्र के अग्नि नामक मछली दैट इज वेल फिश से ही प्राप्त होता है। ये उसका सड़ा हुआ आंत्र और गर्भाशय का भाग होता है, गीला होता है, इसमें से दुर्गंध आती है, सूखने पर सुगंध आती है। प्राप्ति स्थान ये श्रीलंका, अरबियन और भारतीय समुद्रों में से प्राप्त किया जाता है। भौतिक स्वरूप इसका ये ग्रे अंबर शाग वर्ण का होता है, कपोत वर्ण का भी होता है, ये सॉलिड वैक्सी और फ्लेमेबल सब्सटेंस है, ऑफ डल ग्रे कलर, ब्लैकिश कलर, ये थोड़ा सा हल्का भी होता है। टुकड़े जो होते हैं इसके बहुत ही ज्यादा विषम आकृति के छोटे छोटे होते हैं, पानी पर ये तैरते हैं, घुलते नहीं है। आग में अगर आप इसको जलाते हैं तो इसमें से दुर्गंध के साथ वह जलता है, ये बहुत ही हल्का और सुगंधित द्रव्य होता है। अगर हम इसके उपयोग की बात करते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज, तो ये है अग्नि चारह त्रिदोष अग्नो धनुर्वात आदि वात नुत वर्धनो रस वीर्यस्य दीपनो जारणस्य तथा, अर्थात ये क्या करता है, तीनों दोषों का शमन करता है। धनुर्वात जो कि पैरालिसिस वाली बीमारी है जिसमें जो शरीर होता है वो धनुष की तरह हो जाता है, उसमें भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है। रस वीर्य को ये वर्धन करता है हमारे शरीर में, दीपन पाचन करता है, जारण अर्थ इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम अकॉर्डिंग टू आनंद कंद देखें, ये है कटु रसात्मक और उष्ण वीर्य का, आम का पाचन करता है, कफवात को हरने वाला है, एंड जो रक्त श्रोक रहते हैं या सन्निपात शूल रहता है उसमें भी इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है।
इसे सुगंधित द्रव्यों का निर्माण किया जाता है और पारद जारण के लिए इसका प्रमुख उपयोग किया जाता है। अब आई बात इसके शोधन और मारण की, तो एक्चुअली अगर आपको पता है तो जो द्रव्य सुगंधित होते हैं उसको अगर हम हीटअप करते हैं तो उसके गुण और कर्म की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें हानि हो जाती है। इसीलिए ऐसे द्रव्यों का हमें शोधन मारण नहीं करना चाहिए। इसीलिए अग्नि जार या अंबर ग्रेस का कोई शोधन या मारण ग्रंथों में उपलब्ध नहीं है या मेंशन नहीं किया गया है। अंबर के गुण के बारे में बात की जाए तो यह उष्ण, वात कफ को नाशक करने वाला है, पित्त को बढ़ाने वाला है। हालांकि ये त्रिदोष अग्न है, पित्त को कम मात्रा में बढ़ाता है। रक्तज रोग में अच्छा उपयोगी है, सन्निपातज रोग में अच्छा काम करता है, शूल नाशक है, दीपन पाचन करता है, पारद के जारण में इसका एज अ वेड इसका उपयोग किया जाता है, रस और वीर्य को बढ़ाने वाला है और मेदो रोग का नाशन करता है। मात्रा की बात की जाए तो 1/4 रत्ती से 1/2 रत्ती तक यूज की जाती है, दैट इज 30-60 मिलीग्राम इसकी मात्रा है। अनुपान इसको शहद के साथ भी आप ले सकते हैं, मक्खन के साथ ले सकते हैं और घृतादि से भी ले सकते हैं। अब अंबर के कुछ प्रमुख योग हैं, दैट इज चिंतामणि रस, बृहदवात चिंतामणि रस, जहर मोरावटी, धात्री रसायन और रत्नेश्वर रस। थैंक यू।